वो कहते हैं कि हर बात को बताने का एक अंदाज होता है और हर बात में कोई ना कोई राज होता है। जब तक ना मिले प्यार में ठोकर, जब तक ना लगे प्यार में ठोकर, तब तक हर किसी को अपने प्यार पर नाज होता है। हेलो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सीडेंट ग्रामर का, जो आपका पहला एक्सरसाइज है नरेशन से। आज हम लोग पहले उस एक्सरसाइज के नंबर वन को देखेंगे, डिस्कस भी करेंगे हर एक एक्सरसाइज को, ठीक है। हर एक एक्सरसाइज को बखूबी डिस्कस करेंगे, उसके हर एक रूल्स को आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जीसस क्राइस्ट सेड, जीसस क्राइस्ट सेड, ईसा मसीह ने कहा, वी आर ऑल सिनर्स, हम सभी पापी हैं। चलिए इसका देखते हैं इनडायरेक्ट कैसे बनेगा। जीसस क्राइस्ट सेड, कावा रिमूव करेंगे, यहां पर आएगा दैट, ओके दैट। उसके बाद फिर आपकी वी है, वी को यहां पर वी ही लिखा जाएगा। अब आप बोलेंगे सर यहां पर तो वी है और वी को हम क्यों चेंज नहीं करेंगे, तो इसका रूल ये होता है बाबू कि जब हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन तो होता है रिकॉर्डेड स्पीच में, लेकिन अब यह फर्स्ट पर्सन जो किसके लिए आया है, पूरे मानव जाति के लिए आया है। किसके लिए आया है? पूरे मानव जाति के लिए आया है। जब इस कंडीशन हमारा फर्स्ट पर्सन होता है जो कि पूरे मानव जाति के लिए आता है, अब यहाँ पर जो ईसा मसीह कह रहे हैं हम सभी लोग पापी हैं, ये किसको बोल रहे हैं? अपने आप को बोल रहे हैं? नहीं, पूरे मानव समाज को बोल रहे हैं, पूरी मानव जाति को बोल रहे हैं। जहां पर फर्स्ट पर्सन का यूज पूरे मानव समाज के लिए होता है, वहां पर हम उसको चेंजिंग नहीं करते। तो वी, अब यहां पर क्या कह रहे हैं, वी आर ऑल सिनर्स, वी आर ऑल सिनर्स, वी आर ऑल सिनर्स, ये आपका हो गया पहला सेंटेंस, ये आपका हो गया पहला सेंटेंस। चलिए दूसरा देखते हैं, द कैप्टन सेड, इफ द रेन स्टॉप्स द मैच विल बी प्लेड, ऊपर लिखा गया है प्लेड। ध्यान दीजिए, द कैप्टन सेड, कहां रिमूव होगा तो दैट। अब इस सेंटेंस को आप यहां से भी शुरू कर सकते हैं और कामा के बाद यहां से भी शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप यहां से शुरू करेंगे तो ऐसे बनेगा, द मैच बिल्कुल चेंज करेंगे, वुड बी, द मैच वुड बी प्लेड। फिर आगे क्या लिखा है, इफ द रेन स्टॉप, कहा लिखेंगे इसको, ऊपर वाला क्या कर रहे हैं, ऊपर वाला सेंटेंस यहां से आपको हटा देना है इसको, ठीक है ना, प्लेड। फिर लिखेंगे इफ द रेन स्टॉप, ये पूरा आपका एक सेंटेंस बन जाएगा, द कैप्टन सेड दैट द मैच वुड बी प्लेड इफ द रेन स्टॉप, ये हो गया ये आपका। अगर आप इसको दूसरी तरह से बनाना चाहेंगे तो इसको इस तरह बनेगा, द कैप्टन सेड दैट इफ द रेन स्टॉप, फिर आगे कमल आएंगे, द मैच वुड बी प्लेड, वो भी आपका सही रहेगा। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं, माय टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कोई कहावत की बात कर रही है ना, कोई कहावत कह रहा है ईमानदारी एक अच्छा गुण है, इसको आप यूं बनाएंगे, माय टीचर सेड, कमल यूं होगा दैट, फिर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, ये तीसरा हो गया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, देखिए यहां पर टेंस का नहीं बदला, यहां पे इज था, यहां पे भी इज है, ये ऐसे ही होता है जब आप पर रिकॉर्डेड स्पीच में बताया जाता है कोई कहावत की बात होती है, जब कोई कहावत कही जाएगी, जब कोई यूनिवर्सल ट्रुथ यानी कि हमेशा सत्य साफ सब सत्य रहने की बात कही जाएगी, चाहे तो हैबिचुअल फैक्ट आदत की बात कही जाएगी, या तो कोई
यूनिवर्स क्या होगी, ये क्या है आपका प्रोवर कहावत रहेगी, चार कंडीशन में आपका कभी डिफरेंस नहीं बदलता। चलिए इसको देखते हैं, गैलीलियो सेल, गैलीलियो सेल कामा रिमूव होगा तो दैट, फिर द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो सही बात है ना, हमेशा लगाती है, पहले भी लगाती थी, आज भी लगाती है और आगे भी लगाएगी, तो ये बदलेगा नहीं, इसमें भी टेंस की चेंजिंग नहीं होगी। दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन, राउंड द सन, लास्ट नंबर, ही सेज द चाइल्ड इज क्राइंग, ही सेज वह कहता है, इसको जब बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, ही सेज कॉमा रिमूव होगा दैट, फिर द चाइल्ड इज क्राइंग, तो यहां पे सेज है, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो चाहे फ्यूचर टेंस में हो, अब प्रेजेंट के चारों पार्ट इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में से किसी भी पार्ट में होगा वो मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है ध्यान ये प्रेजेंट टेंस में है ना, जब ये प्रेजेंट टेंस में होगा तब रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस है ये इनडायरेक्ट में बिल्कुल नहीं बदलेगा, तो प्रेजेंट टेंस में होगा चाहे फ्यूचर टेंस में होगा आपका टेंस नहीं बदलेगा, तो दैट के बाद द चाइल्ड इज क्राइंग लिखेंगे, दैट द चाइल्ड इज क्राइम, ये आपका पांच सौ से चलिए अब देखते हैं हम लोग, सिक्स नंबर ही सी सेड ही मस्ट रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, यहां पर मस्ट है तो मस्ट रहेगा तो इनडायरेक्ट भी मस्ट लिखा जाएगा, सी सेड कामा रिमूव होगा तो दैट, फिर ही है ही का यहां पे है तो इस्तेमाल रहेगा, ही मस्ट रिस्पेक्ट, ही मस्ट रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, ही मस्ट रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, हो गया सातवां नंबर, देखिए सोहन सेज टू हिज सिस्टर, सोहन जहां सेज टू रहता है तो सेज टू को इन डायरेक्ट में टेल्स में चेंज करते हैं, सोहन टेल्स हिज सिस्टर्स कामा रिमूव होगा तो दैट लगेगा, कामा रिमूव होगा तो दैट लगेगा, अब दैट के बाद आगे सेंटेंस में कोई चेंजिंग नहीं करना है, आप पूछेंगे क्यों, ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां पर प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस दिया गया, प्रेजेंट में कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो कंटिन्यूअस हो परफेक्ट हो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट का होगा चाहे फ्यूचर का होगा, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी भी टेंस में होती है तो हम रिपोर्ट स्पीच का टेंस नहीं बदलते हैं। चलिए द सन इज सेटिंग इन द वेस्ट, द सन इज सेटिंग setting in the west, in the west, सात हो गया, आठ नंबर देखिए, आठ नंबर है विवेक विल बी सेम, विवेक विल बी सेम, कामा रिमूव करेंगे तो दैट, कामा रिमूव करेंगे तो दैट, उसके बाद यहां पे क्या दिया विल बी है फ्यूचर टेंस है, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्ट स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, तो जो लिखा है वही द सर्वेंट फिनिश्ड हिज वर्क, द सर्वेंट फिनिश्ड फिनिश्ड हिज वर्क, ये आपका हो गया आठ नंबर। चलिए अब नाइन नंबर देखते हैं, नाइन नंबर कह रहा है सी हैज सेड, सी हैज सेड कामा रिमूव होगा तो दैट, उसके बाद फिर यहां पे हैज का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस,
है तो प्रेजेंट टेंस ना, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होता है तो रिपोर्ट स्पीच का टेंस नहीं चेंज होगा। मोहन इज एब्सेंट टुडे, मोहन इज एब्सेंट। अब आप बोलेंगे टुडे कोई बैड डे है? नहीं जी, अगर यहां टेंस बदलेगा तो वहां बदल जाएगा, यहां टेंस नहीं बदला तो वो भी नहीं बदलेगा, टुडे को टुडे लिखेगा यहां पे, ठीक है। अब ये नौ नंबर भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं अगला नंबर, दसवां नंबर। दसवां नंबर देखिए ध्यान से, राम सेड टू मी, राम टोल्ड मी, इन्होंने कामा लिखा तो दैट आएगा, ही थर्ड पर्सन है, ही लिखेंगे, प्लीज मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगाया है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज टू सिंपल पास्ट टेंस। ही प्लीज का थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म क्या होगा, प्लेड, ही प्लेड, फिर क्या फुटबॉल, फुटबॉल वेल, ओके। ये आपका हो गया दस क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग ग्यारह नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ग्यारह नंबर देखिए, इसका इन डेट क्या बनेगा, ही सेड, कामा रिमूव करेंगे तो दैट, दैट के बाद द मैन वाज कमिंग, द मैन आपका सब्जेक्ट है, द मैन वाज, वाज का मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को जब हम बनाते हैं इन डायरेक्ट में तो हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हेल्पिंग वर्ब, हैड बीन, हैड बीन कमिंग, हैड बीन कमिंग, ये हो गया। चलिए अब देखते हैं ट्वेल्व नंबर, बारह नंबर, आई सेड, आई सेड कामा हटेगा तो दैट मोहन नेवर कम्स टू माय हाउस, तो इसका बनेगा मोहन नेवर है ना, तो अब नेवर के बाद से कम्स है, मतलब सेंटेंस कैसा है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव में नेवर से स्टार्ट है, ओके, और कम में एस लगाया है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होती है, तो मोहन डिड, मोहन डिड नेवर कम लेट, कम लेट, ठीक है, कम लेट नहीं, कम टू माय हाउस, कम टू, अब माय कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, चेंज टू सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट है, आई, फिर आई का नाम मेरा माय बन जाएगा, फिर से माई हाउस, माई हाउस। अब देखते हैं थर्टीन नंबर, तेरह नंबर क्या कह रहा है, द बॉय सेड, द बॉय सेड, काम आटेगा तो दे, द गर्ल्स, थर्ड पर्सन नो चेंजिंग, द गर्ल्स, द गर्ल्स वर प्लेइंग, वर को चेंज करेंगे तो हो जाएगा हैड बीन, क्या होगा, had been playing, playing with dear dogs, dear dogs, dear dogs। चौदह नंबर, the teacher said, the teacher said, कामा रिमूव होगा, that द प्रेमचंद रोड मैनेज नॉवेल्स एंड स्टोरीज, मतलब प्रेमचंद कोई कवि है, कोई लेखक है, और इन्होंने बहुत सारी कहानियां और बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, क्या सही बात है ये, जब सही बात है तो फिर मतलब इसका क्या, ये जो है यह है क्या है, यह इतिहास की बात है, कैसी बात है, ऐतिहासिक बात है, प्रेमचंद हमारे
देखिए अब देखते हैं 14 नंबर, 14 नंबर देखते हैं आगे हम लोग। द टीचर सेड, द टीचर सेड, उसके बाद फिर क्या है, कॉमा रिमूव होगा तो दैट, दैट क्या होगा, दैट। फिर क्या कह रहा है, प्रेमचंद रोट मेनी नॉवेल्स एंड स्टोरीज, प्रेमचंद रोट मेनी नॉवेल्स एंड स्टोरीज, ये सही बात है ना, ये क्या है, ये इतिहास की बात है, ये सही बात है। तो अब इसको लिखेंगे प्रेमचंद, प्रेमचंद, इसमें टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा, रोट मेनी नॉवेल्स, क्या नॉवेल्स एंड स्टोरीज, एंड स्टोरीज। अध्यापक ने कहा कि प्रेमचंद बहुत सारे नॉवेल्स यानी कि उपन्यास और बहुत सारी कहानियां लिखी हैं, ठीक है। चलिए अब आपको देखते हैं, अब ये 15 नंबर है, 15 नंबर है, 15 नंबर, यू सेड, यू सेड, कॉमा रिमूव होगा, दैट ही, विल को हटाएंगे क्या होगा, वुड, वुड टीच, वुड टीच इंग्लिश, वुड टीच इंग्लिश, आपका हो गया 15 नंबर, 16 नंबर, सी सेड, सी सेड, कॉमा रिमूव होगा तो यहां पे लिखेंगे दैट, फिर गॉड हेल्प, भगवान सहायता करता है जो उन लोगों की, हूं जो की हेल्प देमसेल्व्स, जो स्वयं की सहायता करते हैं, तो जो अपनी सहायता करते हैं भगवान उन्हीं की सहायता करता है, ठीक है ना। ये क्या है, ये एक कहावत है, क्या है ये कहावत है, कहावत में कोई चेंजिंग नहीं होगी, गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प देमसेल्व्स, देमसेल्व्स हो गया। 17 नंबर देखिए, दे सेड, दे सेड दैट वी हैड बीन रीडिंग हर हेयर, वी हैड बीन रीडिंग हेयर फॉर 4 ईयर्स, हम 4 वर्षों से यहां क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे थे रीडिंग, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, वी फर्स्ट पर्सन है, चेंज टू सब्जेक्ट क्या है, दे है, यहां पर आप देखेंगे दे, उसके बाद फिर हैड बीन है, हैड बीन कौन से हेल्पिंग होगी, आपका ये मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जब होगा तो उसके टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे, आप यहां लिखेंगे हैड बीन, हैड बीन रेडिंग, हैव बीन रीडिंग हेयर, ठीक है, जब टेंस नहीं बदलेगा तो ये नहीं बदलेगा, फॉर 4 ईयर्स, फॉर 4 ईयर्स हो गया। अब देखते हैं 18 नंबर, द टीचर सेड, द टीचर, द टीचर सेड, कॉमा रिमूव करेंगे तो दैट, द टीचर सेड दैट द अर्थ, द अर्थ मूव्स, क्या है सदस्य वाली बात है ना, जब कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो हम टेंस चेंजिंग नहीं करते हैं, तो मूव्स राउंड द सन, सूर्य के चक्कर पृथ्वी लगाती है, लगाती थी, लगाएगी, ठीक है ना। माय पेरेंट्स सेड, माय पेरेंट्स सेड, कॉमा रिमूव होगा,
दैट, फिर क्या कर रहे हैं, गुड बॉयज आर टू, गुड बॉयज आर टू, यहां आएगा आर टू यूज टू मस्ट है तो वहां पर हम उसके टेंस को चेंजिंग नहीं करते हैं, तो आर टू है तो आर टू हम यहां पर लिखेंगे, आर्ट टू ओबे, आर्ट टू ओबे डियर एल्डर्स, डियर एल्डर्स, ठीक है ना। अब देते हैं 20, 20 नंबर, अब कौन सा देते हैं, अब देते हैं 20 नंबर, सी सेड, सी सेड कम आएगा दैट, फिर सी थर्ड पर्सन हो चेंजिंग, सी यूज टू है भी नहीं बदलेगा, यूज टू और मस्ट है, आर्ट टू है और हैड बेटर है, ये जहां कहीं भी आते हैं डायरेक्ट स्पीच में, तो इन डायरेक्ट में हम उसे बिल्कुल नहीं बदलते, ठीक है, यहां पर हो जाएगा आपका सी सेड दैट सी यूज्ड, उसके बाद फिर क्या है, यहां पर देखिए टू है ना, यहां कहीं सी यूज, यहां पर टू, यहां पे टू आएगा, तो अगर नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, रहेगा टू आएगा, फिर उसके बाद गो टू स्कूल, गो टू स्कूल ऑन 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 टू, ठीक है, यहां पर जाएगा ऑन फोर, ठीक है। चलिए अब आपका ये यहां तक हो गया पूरा पूरा कंप्लीट, ट्वेंटी फर्स्ट ही सेड कॉमा रिमूव होगा तो दैट रहेगा, फर्स्ट पर्सन है ही के पास जाएगा तो यहां पे ही बनेगा, बिल्कुल चेंज करेंगे वुड में, वुड कम है तो कम लिखेंगे यहां पे, कम हेयर हो गया यहां पे, कम हेयर है ना, हेयर को बदलेंगे देयर में, तो कम को बदलेंगे गो में, सिंपल ही जाएंगे गो देयर, जब कम को बदलेंगे वो में तो हेयर को बदलेंगे देयर में, ठीक है। उसके बाद 22 नंबर, सीता सेड टू मी, सीता टोल्ड मी दैट, जहां पे सेड रहेगा वहां पे सेड लिखा जाएगा, अगर सेड टू रहेगा तो टोल्ड हो जाएगा, तो सीता टोल्ड मी दैट, यू सेकंड पर्सन मी के पास जाएगा तो क्या बनेगा, आई बनेगा, यहां पे सेकंड पर्सन से टू सब्जेक्ट मी है, मी चेंज टू ऑब्जेक्ट, यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, मी का सब्जेक्टिव केस आई होगा, आई के बाद सेंटेंस को क्या बनेगा, आई नेवर कम इन टाइम है ना, तो नेवर कम, कम का मतलब वर्ब इज फर्स्ट फॉर्म है सिंपल प्रेजेंट, तो आई नेवर कम को कर देंगे केम, आई नेवर केम इन टाइम, ओके ठीक है ना। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, यहां पर कम है, यहां पर भी कम है, यहां पर दो कैसे हो गए, यहां पर जो हियर दिया जो देयर कर दिया, यहां पर कम को वो भी चेंज कर दिया, ठीक है ठीक। अब 23rd नंबर देखिए, द फादर सेड टू हिज सन, द फादर टोल्ड हिज सन, कमल ऊपर के ध्यान कराएंगे, यू मस्ट टेक, यू सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, हिज सन थर्ड पर्सन है तो क्या बनाएगा, यहां पे ही बनाएगा, मस्ट है तो मस्ट लिखा जाएगा, मस्ट टेक, टेक सम एक्सरसाइज, 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 ठीक है मैं डेली, डेली कोई चेंज नहीं, डेली है तो डेली आपको यहां पे करना होगा, ठीक है। अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट एक्सरसाइज, 24 नंबर, 24 नंबर, यू माय फ्रेंड सेड टू मी, माय फ्रेंड टोल्ड मी दैट, माय फ्रेंड टोल्ड मी
दैट आई फर्स्ट पर्सन डायरेक्ट माई के पास फिर आइकन आएगा। माई फ्रेंड क्या है यहाँ पे, माई फ्रेंड थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का मतलब ही हो जाएगा। माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही कैन नॉट, बोलेंगे कुड नॉट में, ही कुड नॉट हेल्प, ही कुड नॉट हेल्प यू सेकंड पर्सन, कैन टू मी के पास जाएगा तो क्या बनेगा यहाँ पे मी, हेल्प मी एट दिस को बदल देंगे दैट टाइम को लिखेंगे टाइम एट दैट टाइम। माय फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही कुड नॉट हेल्प मी एट दैट टाइम। बोलिए समझ आया, ये था आपका आज का नरेशन के पहला एक्सरसाइज के लिए आपका पहला वीडियो था, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में और उसमें आपको पढ़ाया जाएगा एक्सरसाइज नंबर सेकंड। ओके।